हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है लेटेस्ट एवोल्यूशन एक्स का अपडेट जो कि बेस्ड है ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 12 एल के ऊपर और रेडमी K20 प्रो के ऊपर। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। ये सेकेंड अपडेट मिल जाता है K20 प्रो के ऊपर, जिसके अंदर आपको मे का सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। फर्स्ट वाला मैंने इग्नोर कर दिया था अपडेट, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मैंने उससे प्रीवियस जो अपडेट आया था उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको जो है नेक्स्ट अपडेट के अंदर कवर करेंगे। सो फाइनली नया अपडेट आ चुका है जो कि है 12th मे का, जिसको हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे। एंड ये वाला अपडेट बेस्ट है सभी चीजों के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं कैसे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर सकते हो तो लाइक कर देना। सबसे पहले अबाउट फोन की बात करते हैं, तो एवोल्यूशन एक्स का लोगो है, एंड्रॉइड वर्जन 12 है। एवोल्यूशन एक्स वर्जन आपको स्नो V2 6.3.1 रफाइल ऑफिशियल अपडेट मिलता है और 5 मई 2022 से एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है। कर्नल मिलता है सोवियत स्टार का, एंड जो कर्नल यहां पर आपको मिलता है वो तो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है फिलहाल के लिए, एंड जो सिलिंग स्टेटस है ना वो एनफोर्सिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस सर्टिफाइड है, उसके बाद वाइड वैन L1 आपको मिल जाएगा। F2FS के अंदर मैंने इसको फ्लैश नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली ये बूट कर जाएगा F2FS के अंदर भी। गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग प्रेजेंट है और जो चार्जिंग स्पीड 18 वॉट्स है वो कुछ ऐसी है। बट हाँ, एक दिक्कत है यहां पर, आपका जब डिवाइस हीटअप हो जाएगा ना चार्जिंग के टाइम में, तो आपको जो है स्लो चार्जिंग फील होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा स्लो होगी। तो आप गैप देके थोड़ा सा यहां पर जो है फोन को चार्ज पे लगा सकते हो, गर्मी की वजह से यहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इन जनरल जो स्पीड है वो काफी अच्छी है, बट हाँ हीटिंग इश्यूज आपको चार्जिंग के टाइम में मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड अब बात करेंगे नॉर्मल यूसेज के ऊपर, नॉर्मली मैं मिक्स्ड यूसेज बताऊंगा। सो यहां पर जो है मैंने मिक्स्ड यूसेज के ऊपर इसको ट्राई किया, एंड जो एक्टिव ड्रेन है वो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन 0% आपको मिल जाएगा, एंड जो डीप स्लीप है वो वर्किंग है। जो बैटरी बैकअप है ना इस अपडेट का वो एक्सीलेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने यहां पर पबजी भी खेला है, यानी कि BGMI को भी टेस्ट किया और उसके साथ में यहां पर जो नॉर्मली भी काफी ज्यादा यूज किया, तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंगली जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। एंड सेम चीज आप देखोगे तो सीपी थ्रॉटलिंग ग्राफ के अंदर आपका 84% तक सीपी थ्रॉटल हो जाता है और 1,92,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS, 1,72,000 के आसपास आपको मिलेंगे एवरेज GIPS। एंड लास्ट में जो Geekbench 5 के स्कोर्स हैं, 729 सिंगल कोर, 2316 का आपको मिलेगा मल्टी कोर स्कोर। इस अपडेट के अंदर ना आपको कोई भी बाय डिफॉल्ट स्टॉक कैमरा यहां पर नहीं मिलता, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो, बट मेरे पास है ANX कैमरा वर्जन V5, जिसके साथ आपको MIUI गैलरी ऐप मिल जाता है और इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रा वाइड डेड है आपका, जो कि आप चेक कर सकते हो। 2x जूम आप यहां पर जो है कर सकते हो, 2x जूम आपका वर्किंग है। वीडियो 4K 60fps तक मैक्सिमम, एंड ये प्रो मोड्स वगैरह मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट वर्क नहीं कर रहा इसके अंदर, एंड 48 मेगापिक्सल भी मोस्ट प्रोबेबली वर्क नहीं करेगा। एंड जो स्लो मोशन है ना वो भी आपका यहां पर जो है स्टक हो जाता है, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। तो अगर आप स्लो मोशन वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो ANX कैमरा का वर्जन V2 आप ट्राई कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप उन सभी वीडियोस को जो ANX वाली है उनको ANX वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो, सभी अपडेट्स है ना वहां पर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और आप साथ में GCam भी ट्राई कर सकते हो, और बेस्ट GCam मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। सबसे पहले अभी आ जाते हैं इसके UI एक्सपीरियंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक लॉन्चर एज ऑलवेज यहां पर जो है पिक्सल लॉन्चर है। स्मूथनेस की बात करें सो क्विक सेटिंग पैनल के अंदर कोई लैग स्टटरिंग नहीं आने वाला। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड बटरी स्मूथ आपको मिल जाती है, एंड जो स्पीड है ना वो भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। कुछ ऐसे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, कोई भी लैग वगैरह आपको UI के अंदर नहीं आने वाला। सो जो ऑप्टिमाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ UI एक्सपीरियंस बेस्ट आपको मिल जाती है, और हैप्टिक्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी काफी ज्यादा आपको स्मूथ फीलिंग फील करवाएगा। एंड अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आपको जो है गूगल कार्ड्स के अंदर भी कोई स्क्रोलिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, काफी सुपर स्मूथ स्क्रोलिंग आप यहां पर कर सकते हो। फीचर्स की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है दी इवॉल्वर, यहां पर थीम्स हैं और ऑलमोस्ट सभी जो चीजें हैं ना वो सेम आपको मिलती हैं। स्टेटस बार के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम है, नोटिफिकेशन के अंदर सेम है, उसके बाद क्विक सेटिंग के अंदर भी कोई नया चेंज आपको नहीं मिलता, सिमिलर चेंजेस हैं जो कि प्रीवियस 6.3 के अंदर थे। पावर मेन्यू में एडवांस रीस्टार्ट है, और यहां पर आपको जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के आइकॉन पिकर वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ ये हैं, और यहां पर कस्टम एनिमेशन आपको मिलेंगे, और ये ऑलमोस्ट जो चेंजेस है वो सब कुछ सिमिलर आपको मिलेगा। एंड अगर आप बटन के अंदर आओगे तो यहां पर सेम चेंजेस है,
नहीं है, इसमें गेम स्पेस है, कुछ डेवलपर ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करोगे तो हिडन एप्स का ऑप्शन है। एप्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग डैशबोर्ड आपको मिलता है गूगल वाला, जो कि आप ट्राई कर सकते हो। इवन बैटरी का सेक्शन है वो लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 से अपडेटेड है, जो स्टैट्स हैं उनको आप रीड कर सकते हो। आइडल मैनेजर आपको मिलेगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आएंगे। सो यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं एंड मी साउंड एनहांसर आपका यहाँ पर प्रेजेंट है विद हाई फाई ऑडियो। उसके साथ क्लियर स्पीकर यूज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लाइव डिस्प्ले है, कलर कैलिब्रेशन होगा इसके अंदर, एंटी फ्लिकर मोड होगा, डिस्प्ले मोड्स आपको मिल जाएंगे, रीडिंग मोड है, कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट भी आपको मिलेगा। एंड जो कलर्स हैं वो आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सभी प्रेजेंट है। अलाउ विंडोज लेवल ब्लर का ऑप्शन है, बट ये मेरा आई थिंक क्यों नहीं वर्क करा, आई डोंट नो। यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने इसको इनेबल कर रखा है। सो ये मेरा लेटेस्ट, इससे प्रीवियस जो अपडेट मैंने कवर किया था उसके अंदर भी वर्क नहीं कर रहा था एंड यहाँ पर भी जो है ये वर्क नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर से चेक करवा देता हूँ। सो आप ट्राई करके बताना कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर आपका वर्किंग है तो कैसे वर्किंग है और क्या कुछ करना पड़ेगा, कमेंट्स में जरूर से बताना, बट फिलहाल मेरा ये वर्क नहीं कर रहा। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक सेम है, थीम्ड आइकॉन है। उसके बाद ऐप ग्रिड्स आपको मिल जाएंगे। और सिक्योरिटी की बात करें तो पिक्सल 6 से अपडेटेड आपको लेआउट मिलता है। यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों मिलेंगे, बट ऐप लॉकर मिसिंग है। और एफओडी के स्पीड की बात करें, स्क्रीन ऑन के साथ में जो स्पीड है एक्सीलेंट आपको मिलेगी, कोई जो है डिले नहीं मिलता। एंड एक्यूरेसी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन स्क्रीन ऑफ के साथ में मैं चेक करवा देता हूँ, काफी ज्यादा फास्ट आपको जो है स्पीड मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं सिस्टम की तो सबसे पहले जेस्चर्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्विक टैप है, सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन 3 बटन है, पिल की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो। और उसके बाद जो है हैप्टिक्स वाले आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। वन हैंडेड मोड, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, सब कुछ प्रेजेंट है। इवन अपडेटर भी एज ऑलवेज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर जो है गेमिंग BGMI ट्राई किया और 60 FPS विद स्क्रीन रिकॉर्डर जो परफॉर्मेंस है ना, काफी ज्यादा अमेजिंग आपको मिलती है। अगर आप यहां पर हार्डकोर गेमर हो और एंड्रॉइड 12L के ऊपर एक स्टेबल सी रोम चाहिए और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी तगड़ी हो गेमिंग स्पेशली, तो वो यहां पर आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा इस अपडेट के अंदर। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अपडेट्स काफी ज्यादा आते हैं, तो मैं स्पेसिफिक अपडेट की बात कर रहा हूं। ये आपको बेस्ट मिलता है UI एक्सपीरियंस के मामले में, स्मूथनेस के मामले में, इवन बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। और बस एक जो है इशू लगा मेरे को वो है चार्जिंग के टाइम में हीटिंग का, बाकी यहां पर कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। गेमिंग इतनी ज्यादा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके साथ कोई टच इशू आपको नहीं आने वाला, कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं आएगा। जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री के आसपास गया था मैक्सिमम, स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में फैन के नीचे बैठा था और आउटसाइड टेम्परेचर यहां पर काफी ज्यादा हो चुका है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप गेमिंग के लिए भी इसको ट्राई करोगे ना तो आपको रिग्रेट यहां पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो ये आप जो है कंसीडर कर सकते हो एक बेस्ट गेमिंग रोम वाला अपडेट, आप इसको बोल सकते हो एवोल्यूशन एक्स की ओर से। और ये जो अपडेट है ना डेफिनेटली मेरे को काफी पसंद आया। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बता सकते हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक कर सकते हो वीडियो को। मिलेंगे अपकमिंग वीडियो के अंदर।